अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर होम पेज पर काम करेंगे। तो फिलहाल हमने क्या किया था, यहाँ पे सिर्फ लॉगिन यूजर की डिटेल्स को डिस्प्ले कराया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है फिल्टर्स और प्रोडक्ट्स को जो है शो करेंगे। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और चलते हैं होम पेज में, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये दोनों टैग को मैं रिमूव कर लेता हूँ और टाइटल के अंदर हम कर देंगे ऑल प्रोडक्ट डैश बेस्ट ऑफर। अब इसके अंदर जो है ग्रिड सिस्टम भी हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रो ले लेता हूँ, और इस रो के अंदर हम क्या करेंगे, दो कॉलम में डिवाइड कर देंगे, कॉल MD3 और सेकेंड वाला 9 कॉलम कर देंगे। और इस 9 वाले में क्या करता हूँ, एक H1 ले लेता हूँ मैं, और इसके अंदर लिख लेंगे ऑल प्रोडक्ट्स, इसके अंदर क्लास नेम ऐड कर देंगे टेक्स्ट सेंटर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे के सारे फिल्टर्स रखेंगे। तो मैं H1 यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ, और इसको भी सेम क्लास नेम दे देंगे टेक्स्ट सेंटर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिल्टर्स या फिर फिल्टर बाय कैटेगरी कर देंगे इसको, और H1 के बदले इसको कर देंगे H6, सेव कर लेते हैं इसको। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनिशियल टाइम पे जब प्रोडक्ट्स को गेट करेंगे, सो एक स्टेट हमको क्रिएट करना है, तो ऊपर इंपोर्ट कर देंगे यूज स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड यूज इफेक्ट हुक। और इसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स बना देंगे कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स सेट प्रोडक्ट इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको एम्प्टी एरे कर देंगे। सेम इसी तरीके से कैटेगरी के लिए भी चाहिए, सो कैटेगरीज सेट कैटेगरीज इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको भी एम्प्टी कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, सारे प्रोडक्ट्स को जो है गेट करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिव ऐड कर देंगे विथ क्लास ऑफ डी फ्लेक्स, और फ्लेक्स रैप कर देंगे हम, और इसके अंदर सारे के सारे जो है प्रोडक्ट्स को हम डिस्प्ले कराएंगे। मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, एक H1 ऐड कर देता हूँ प्रोडक्ट्स, सेव करके एक बार देख लेंगे। तो देखिए फिल्टर बाय कैटेगरी, और यहाँ पे है ऑल प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर हमारे पास रहेंगे प्रोडक्ट्स, और मार्जिन टॉप दे देंगे थोड़ा सा, मार्जिन टॉप ऑफ 3, और इसको H6 के बदले H4 कर देता हूँ। अब ठीक है, फिल्टर्स बाय कैटेगरी, और यहाँ पर हमको मार्जिन भी मिल चुका है, और बाद में टोटली इसको रीडिजाइन कर लेंगे। सो पहले आप फंक्शनैलिटी पर काम करिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे गेट ऑल प्रोडक्ट्स के लिए। सो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, गेट प्रोडक्ट कॉन्स्ट गेट ऑल प्रोडक्ट इक्वल टू एसिंक फंक्शन, ये रहेगा एरो फंक्शन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे, सिंपल एरर को पास करा देना है, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, कंसोल कर देंगे कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, और ट्राई के अंदर हम डायरेक्टली डेटा को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट, फिर हम क्या करेंगे नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे एक्सियोस डॉट गेट, और एक्सियोस को ऊपर इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इम्पोर्ट कर देता हूँ इम्पोर्ट एक्सियो फ्रॉम एक्सियोस, और यहाँ पे API कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है /API/V1/product/get-product, और ये जब मिल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे प्रोडक्ट्स को, जो भी डेटा है उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो उससे हम फुलफिल इसको करा देंगे, सेव कर लेते हैं इसको, और हम क्या करेंगे यूज इफेक्ट हुक के अंदर इसको कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है यूज इफेक्ट, और इसके अंदर एक एरो फंक्शन हम बना देंगे, और एम्प्टी डिपेंडेंसी का एरे यहाँ पर लिख लेंगे, और इसके अंदर हमको इस फंक्शन को कॉल कर देना है गेट ऑल प्रोडक्ट्स, सेव, चेक कर लेंगे एक बार, चलते हैं एप्लीकेशन पर इंस्पेक्ट कर लेंगे और देखेंगे इनिशियली ये रिक्वेस्ट जाती है नहीं। तो यहाँ से आप क्या करें, नेटवर्क टैब पर क्लिक करें और इस पेज को आप रिफ्रेश कर लें, तो देखें यहाँ पर रिक्वेस्ट जा रही है गेट प्रोडक्ट पर, और इस पर अगर आप रिस्पॉन्स देखेंगे तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और मैंने थोड़े से ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट्स क्रिएट करके रखे हैं, टोटल हमारे पास इसमें भी 8 प्रोडक्ट हैं। तो आप भी जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट करके रखें ताकि हम फिल्टर्स भी इसमें अच्छे से देख पाए। तो ये रिक्वेस्ट बराबर से जा रही है, अब इसको हमको गेट करना है। तो गेट करने के लिए अगेन मैं क्या करता हूँ, कार्ड का यूज़ कर लेता हूँ, या फिर हमारे पास ऑलरेडी है ना कार्ड, प्रोडक्ट्स के अंदर हमने यूज़ किया था तो इसी को हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट्स डॉट मैप, हमने ये जो मैप कराया था इसको हम एज इट इज जो है कॉपी कर लेंगे और होम पेज में इसको ऐड कर देंगे। तो इस डीफ्लेक्स रैप के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, और लिंक हमको नहीं चाहिए, लिंक के ऊपर हम जो है बाद में काम कर लेंगे। सो लिंक आप रिमूव कर लें, सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार देख लेंगे कि सारे प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं या नहीं, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास शो कर रहे हैं, मेरे पास 8 प्रोडक्ट है तो सभी के सभी यहाँ पर शो कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, बटन्स भी ऐड कर देंगे ऐड टू कार्ट के लिए, और फिर इसकी और डिटेल्स जानना है तो उसके लिए भी हम 2 बटन्स यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसका कार्ड कंपोनेंट चेक कर लेता हूँ। तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चलते हैं, बूटस्ट्रैप, और डॉक्स में से हम क्या करेंगे कार्ड को सर्च कर लेंगे कार्ड, इसमें देखिए बटन्स भी आते हैं देख सकते हैं आप, तो सिर्फ इस बटन को हम कॉपी कर लेंगे, ये एंकर टैग है, एंकर टैग हमको नहीं चाहिए, हम इसको बटन से रिप्लेस कर लेंगे। तो ये बॉडी के अंदर ही है, चेक कर सकते हैं आप, यह है बॉडी का मेन डिव, और उसके अंदर ही यहाँ पर एंकर टैग है, तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे इसको पेस्ट कर देंगे।
और नॉर्मल ए टैग के बदले यहाँ पर इसको बटन टैग कर देंगे। एचरेफ इसमें से रिमूव कर लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी डिटेल्स कर देंगे या फिर मोड डिटेल्स कर देते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एड टू कार्ट कर देंगे, एड टू कार्ट, और इसका कलर चेंज कर देंगे हम बटन सेकेंडरी सेव। चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है बटन्स आपको देखने मिल जाएंगे, मोर डिटेल्स और ऐड टू कार्ड, और इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देंगे हम। तो एम एस मैं 1 कर देता हूँ और इसमें भी एम एस 1, तो थोड़ा सा स्पेस हमको देखने मिल जाएगा। लास्ट में जो है टोटली हमको इसका डिज़ाइन चेंज करना है, इसलिए हम जो है स्टाइलिंग पर ज़्यादा भी फोकस नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बराबर से काम कर रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, कैटेगरीज को भी गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, सारी के सारी कैटेगरीज को जो है डिस्प्ले करा दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड डिज़ाइन में से जो है ना चेक बॉक्स का यूज़ कर लेंगे, यानी यूज़र क्या कर सकता है, मल्टीपल कैटेगरीज भी एट अ सेम टाइम जो है सेलेक्ट कर सकता है, और उसके बेसिस पे हम रिजल्ट शो कराएंगे। या फिर हम क्या करेंगे, प्राइस का भी ऐड कर देंगे। तो सारे के सारे फिल्टर्स हम पहले काम कर लेंगे, उसके बाद में जो प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराएंगे। तो सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, बहुत ईजी है। चलिए पहले इस पर काम कर लेते हैं, इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम एंड डिज़ाइन, और इसमें से हम चेकबॉक्स का यूज़ कर लेंगे, और इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, कैटेगरीज को गेट करेंगे। अब कैटेगरीज का भी ऑलरेडी हमने जो है फंक्शन बना के रखा है, देखिए क्रिएट कैटेगरी के अंदर हमने गेट किया था ना, तो वही फंक्शन को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए ये रहा गेट ऑल कैटेगरी, इसको कॉपी कर लें, वापस आएंगे होम पेज में और स्टार्ट में इसको कर देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट से पहले कैटेगरी को गेट कर लेंगे, पेस्ट, और टोस्ट है ना इसमें तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, टोस्ट की हमको ज़रूरत नहीं है। और ऑप्शनल चेनिंग भी आप ऐड करते चले, मैं इसमें भी एक बार चेक कर लेता हूँ जहाँ पर मैप किया है ना हमने। तो कुछ इस तरीके से ऑप्शनल चेनिंग आप ऐड करें। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए कैटेगरीज जो है गेट हो रही है, और वो सेट कैटेगरीज जो कि ऑलरेडी हमने स्टेट बना के रखा है ना, देखिए इसमें असाइन हो रही है, तो इसको हमको गेट करना है। तो कैसे करेंगे, और देखिए नीचे यूज इफेक्ट में हमने इसको कॉल भी किया है, यानी कि ये इनिशियल टाइम पे हमको मिलने वाली है। तो हम क्या करेंगे, इस फिल्टर्स बाय कैटेगरी के अंदर जो है ना इसको पेस्ट करा देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैप का यूज़ कर लेता हूँ, जो भी कैटेगरीज है उसको हम यहाँ पर गेट कर लेंगे। सो कैटेगरीज अगर मिलती है तब क्या करो, मैप करो, इसके अंदर सिंगल कैटेगरी मिलेंगी, और इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे आपको चेकबॉक्स का यूज़ करना है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले की को पास करा देंगे, की के अंदर आप क्या लिखेंगे, सी डॉट अंडरस्कोर आईडी, यानी कैटेगरी की आईडी, और इसके ऑन चेंज इवेंट पे भी काम कर लेंगे। ऑन चेंज इसके अंदर हमको जो फंक्शन को कॉल कर देना है, सॉरी कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर फंक्शन हम कॉल करेंगे, और ये फंक्शन अभी हमको क्रिएट भी करना है। मैं पहले जो है सिंपल क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉक करके छोड़ देता हूँ, पहले हम कैटेगरी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉक, और इसके अंदर ई को जो है कंसोल डॉट लॉक कर देता हूँ, और यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, इसके अंदर हम जो है कैटेगरीज को डिस्प्ले करा देंगे, सी डॉट नेम, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं एप्लीकेशन पर, और यहाँ पे देखिए सारी की सारी कैटेगरीज अपने पास आ चुकी है, और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिव के अंदर ले लेता हूँ, डिव विथ डी फ्लेक्स क्लास, और इसको इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, फ्लेक्स कॉलम सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये आएगा, और सीएसएस आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से भी। अभी हमको जैसे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम क्या करेंगे इसको जो है ना 2 कर देंगे, ठीक है, कॉल एम डी 2 कर देता हूँ मैं, सेव। अब ठीक है यहाँ पर फिल्टर्स हैं, अब जैसे हम इस पर चेक करेंगे ना, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है हमारे फिल्टर होने चाहिए। तो ये फंक्शनलिटी अभी हमको देखना है, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे पहले ऑन चेंज में, और इसके बदले में क्या करता हूँ, यहाँ पे हैंडल फिल्टर कर देते हैं, इसका नाम हैंडल फिल्टर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो वैल्यू को पास करा देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए हमको टारगेट वैल्यू भी चाहिए, और इसके बाद में आईडी भी चाहिए कि किस बेसिस पे हम इसको चेंज कराने वाले हैं, यानी प्रोडक्ट्स को। तो इसके अंदर पहले शुरू क्या करेंगे, टारगेट कर लेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट, जो चेक की प्रॉपर्टी है ना उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे, और हम क्या करेंगे एक स्टेट ही बना देंगे इसके लिए, यानी जो भी चेक हुआ है ना उसको हम क्या करेंगे असाइन कर देंगे स्टेट के अंदर, कॉन्स्ट चेक्ड सेट चेक इक्वल टू यू स्टेट, और इसको भी एम टी एरे कर देंगे क्योंकि मल्टीपल्स हमारे पास वैल्यूज जो है चेक हो सकती है। और ऑथ को मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसका इम्पोर्ट भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये जो चेक्ड है ना, तो ये प्रॉपर्टी हमको गेट करना है, तो यहाँ पे आप क्या करें, ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड, और इसके बाद में हम क्या करेंगे आईडी को पास करा देंगे, और आईडी कहाँ से आएंगी, ये आएंगे हमारे पास जो कैटेगरी मैप हो रही है ना, सी डॉट अंडर स्कोर आईडी। अब इस फंक्शन को हम क्रिएट कर लेंगे, टॉप पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ गेट प्रोडक्ट के बाद में, यहाँ पे फिल्टर बाय कैट कर देता हूँ उसको कमेंट, और यहाँ पे इसको क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट हैंडल फिल्टर,
इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसमें हम क्या करने वाले, दो चीज़ें रिसीव करेंगे, वैल्यू और आईडी जो कि हमने ऑलरेडी पास करके रखा है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसको जो है डिस्प्ले करा सकते हैं। तो एक वेरिएबल बना देंगे हम कॉन्स्ट या फिर लेट की मदद से, क्योंकि हमको चेंजेस भी करने हैं इसमें, इसीलिए हम लेट का यूज़ कर रहे हैं। लेट ऑल इक्वल टू स्प्रेड कर देंगे हम, जो भी चेक वैल्यू है ना उसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी वैल्यूज यहाँ पर चेक होंगी तो वो स्टोर हो जाएंगी इस ऑल के अंदर। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहले चेक कर लेंगे हम इफ वैल्यू, जो वैल्यू हम रिसीव कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ पुश करना है उस वैल्यू को आईडी के बेस पे। तो यहाँ पर सिंपल एक मेथड कॉल कर लेंगे, ऑल डॉट पुश, क्योंकि एरे है तो कुछ भी ऐड करने के लिए हम जो है पुश का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, आईडी को जो है पास करा देंगे। तो आईडी इसके अंदर जो है कैप्चर हो जाएंगी वैल्यू के अंदर। एल्स भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, एल्स एल्स के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर फिल्टर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑल को जो है ना डायरेक्टली फिल्टर कर देता हूँ, ऑल डॉट फिल्टर करेंगे, ऑल डॉट फिल्टर का मेथड। और किस बेसिस पे आपको फिल्टर करना है, तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी के बेस पे कर लेंगे। तो सी यहाँ पर मैं पास कराता हूँ एज अ आर्ग्यूमेंट, और सी इफ नॉट इक्वल टू आईडी, तो इस बेस पे हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर देंगे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो है ना यहाँ पर चेक में असाइन कर देंगे। तो सेट चेक, और उसके अंदर ऑल की वैल्यू को हम असाइन कर देंगे, सेव। और इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना कहीं पर भी इसको डिस्प्ले करा देता हूँ। इस प्रोडक्ट्स के बाद में ही कर लेते हैं कॉल एमडी में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, चेक को जो है पास करा देंगे, फिर इसको नल कर देंगे, और फोर आपको ऐड करना है। तो इससे थोड़ा सा प्रिटी फॉर्मेट में जेसन हमको दिखेगा, सेव। और देखिए इनिशियली ये जो है एम्प्टी एरे शो कर रहा है। अब मैं जो है ना इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसकी आईडी सेलेक्ट हो गई। अगर मैं इस पर करता हूँ तो मल्टीपल आईडीज जो है सेलेक्ट हो रहा है। अब इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं इसको अनचेक करूंगा तो देखिए यहाँ से वो आईडी रिमूव भी हो रही है। सब पे एंटिक करूंगा तो देखिए वापस से एम्प्टी हो चुका है। तो काफी अच्छे से हमारी फिल्टरिंग यहाँ पे होंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना एक और फिल्टर ऐड कर देंगे। तो सारे फिल्टर्स मैं पहले जो है क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को यहाँ पर चेंज करेंगे। क्योंकि अभी करेंगे फिर इसमें करेंगे तो थोड़ा सा टाइम इसमें जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक साथ ही पूरे फिल्टर्स कर लेंगे और सबको वन बाय वन टेस्ट कर लेंगे। तो प्राइस बेस फिल्टर के लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स के अंदर एक और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और इसका नाम मैं रखता हूँ प्राइसेस डॉट जे एस। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हम प्राइस के फिल्टर्स जो है ऐड करेंगे। तो यहीं पर मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्राइसेस, और ये रहेगा एरे। एरे के अंदर हम जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम रखेंगे अंडर स्कोर आई डी, और जीरो से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम एरे का यूज़ कर रहे हैं, तो एरे का इंडेक्स जीरो से शुरू होता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो नेम का फिल्टर हम ऐड कर देंगे। तो नेम कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, एक रेंज इसको प्रोवाइड करेंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पर रुपीज सिंबल यूज़ कर सकते हैं, डॉलर कर सकते हैं, पाउंड यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी करेंसी, आप यहाँ पर उसका सिंबल ऐड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, सिंपल डॉलर का सिंबल यूज़ करता हूँ क्योंकि ग्लोबली ज़्यादा एक्सेप्टेड है, इसीलिए मैं डॉलर का सिंबल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक फिल्टर दे देंगे 0 डॉलर से लेके इसको कर देंगे $19 तक। तो पहला फिल्टर हमारा इतना रहेगा, और उसके बाद में हम यहाँ पर एरे पास कराएंगे। एरे के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को पास कराएंगे। तो यहाँ पे $0, 19। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये जो हमने नेम ऐड किया तो ये डिस्प्ले होगा, और बिहाइंड द सीन जो वैल्यू यूज होंगी ना वो इस एरे के अंदर से जो है यूज होंगी। तो ये फिल्टर कैसे होगा हमारा, ये वैल्यू सर्च करेगा 0 से लेके 19 तक, यानी इतने पैसे तक ये हमको प्रोडक्ट शो करा के देगा। आप चाहे तो इसको रुपीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और फिल्टर क्रिएट करेंगे अंडरस्कोर आईडी, और ये फर्स्ट वाला रहेगा। जितने भी आपको फिल्टर्स क्रिएट करना है ना, सेम प्रोसीजर आप फॉलो करें। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर $20 से लेके यहाँ पर इसको $39 तक कर देंगे। और फिर अगेन आपको जो है एरे पास करा देना है, जो भी वैल्यू आपकी रहेंगी तो वो आपको यहाँ पर पास कराना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20 to 39। सेम इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे मल्टीपल्स टाइम। जितने भी आपको फिल्टर्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4। और यहाँ पर सिर्फ वैल्यू को आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 40, 40 to 59, और सेम वैल्यू हम यहाँ पे भी पास कर देंगे 40, 59। और इसके बाद में यहाँ पर हम कर देंगे $60, 60 to 79 कर देंगे इसको। सेम नीचे भी आप इसी तरीके से इसको चेंज कर लेंगे। और लास्ट में एक जो क्रिएट करेंगे ना, अच्छा इनकी आईडी भी चेंज करना है, 1, 2, फिर ये थर्ड वाली रहेंगी, और यहाँ पे मैं फोर्थ जो है ऐड कर देता हूँ।
इसके बाद में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है ना अनलिमिटेड वैल्यू जो है पास करा देंगे, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, या फिर 100 तक एक बार कर ही लेते हैं, उसके बाद में चेक करा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 80 to 99 कर देता हूँ उसको, यहाँ पे भी चेंज कर देंगे हम, और एक न्यू फिल्टर एक और क्रिएट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट, और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू रहेंगी ना इसको कर देंगे 100 और मोर, और इसके अंदर सिंपल हम क्या करेंगे 100 पास करा देंगे, और लास्ट वैल्यू आपको जहां तक भी देना है आप दे सकते हैं। मैं इसको जो है 99 कर देता हूँ, इतना तक के हम क्या करेंगे प्राइस रेंज को जो है चेक करेंगे, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा देखिए एक यूटिलिटी फाइल जो है क्रिएट हो गई है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे फिल्टर जो है क्रिएट करेंगे। अब होम पेज में हमने कैटेगरीज के लिए देखिए यहाँ पे बनाया था ना, ये जो हमने फिल्टर बनाया था इसी के बाद में हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। आप चाहें तो इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर सकते हैं, फिल्टर्स बाय प्राइस, बाकी सब सेम रहेगा, और यहाँ पर आपको जो है कैटेगरीज को जो है ना चेंज करना है, तो मैप मेथड आप इसमें से निकाल लें। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है ना प्राइजेस की मदद से जो है फिल्टर को शो कराएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले चेकबॉक्स हमने देख लिया, तो हम इसमें रेडियो बटन यूज कर सकते हैं, तो ये भी हम एंड डिज़ाइन में से इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है रेडियो। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे यहाँ पर फिल्टर्स जो है परफॉर्म करेंगे। मेक श्योर इस फाइल को भी आपको इंपोर्ट करना है, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड आप यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो है सजेशन आपको आ जाएगा, तो आप उसकी मदद से भी जो है यहाँ पर उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे रेडियो का यूज़ कर लेंगे, रेडियो डॉट ग्रुप, और इस ग्रुप के अंदर हम क्या करेंगे मैप कर लेंगे जो भी हमारे पास प्राइसेस है। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्राइसेस, मेक श्योर इसको इम्पोर्ट भी कर ले, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगर ये हमको मिलता है तब क्या करेंगे हम मैप करेंगे, और इसके अंदर हमको क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट मिलने वाला है, यानी फिल्टर्स के लिए जो भी प्राइजेस हमने बनाए हैं ना वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे, तो उसको हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर आपको जो रेडियो का यूज़ कर लेना है, रेडियो, और इसके अंदर हम क्या करेंगे पूरी प्राइजेस जो है शो कराएंगे, तो पी डॉट नेम, और हम क्या करेंगे इस ग्रुप को भी ना कुछ वैल्यू जो है पास करा देंगे, जैसे कि इसके ऑन चेंज इवेंट पे हम क्या करेंगे वैल्यू को जो है ना फुलफिल करा देंगे। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए एक स्टेट भी बना देता हूँ टॉप पे, यहाँ पर चेक के लिए जैसे हमने बनाया था ना, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसको रीनेम कर देंगे, इसको कर देंगे रेडियो सेट रेडियो, तो इसको हम क्या करेंगे फुलफिल करा देंगे। तो ऑन चेंज में आपको क्या करना है यहाँ पर इवेंट को टारगेट करना है, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे सेट कर देंगे रेडियो को। तो यहाँ पे आपको लिखना है सेट रेडियो, ई के अंदर हमारे पास आता है टारगेट, और उसकी वैल्यू जो भी रहेंगी उससे हम क्या करेंगे फुलफिल करा देंगे इसको। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे इस रेडियो को जो है ना की प्रॉपर्टी भी हम ऐड कर सकते हैं, या फिर इसको एक डिव के अंदर भी हम रैप कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ इसको जो है ना एक डिव के अंदर ले लेता हूँ, ये रहा हमारा डिव, इस डिव के अंदर इसको रैप कर लेंगे, और इस डिव को जो है की प्रॉपर्टी में ऐड कर देता हूँ, जो कि हमको मिलेंगी पी डॉट अंडर स्कोर आईडी से। और रेडियो में हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू भी पास करा देंगे, सो वैल्यू, वैल्यू के अंदर आपको क्या करना है यहाँ पर जो भी वैल्यू हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं उसको पास कराना है, तो पी डॉट एरे, एरे में हमारे पास वैल्यू है, तो ये इससे फुलफिल हो जाएगा, सेव कर लेते हैं इसको। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कॉमेंट ऐड कर देता हूँ, प्राइस फिल्टर, और इसको मैं कॉमेंट यहाँ पर बना देता हूँ, सेव, चेक कर लेते हैं इसको एक बार। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हमारे पास ये फिल्टर भी आ चुका है, इसको जो मार्जिन टॉप से दे देंगे हम मार्जिन टॉप 4, सेव, और साथ ही में इसको प्रिंट करा के भी देख लेंगे हम। तो हमने इसको देखिए यहाँ पर प्रिंट कराया था ना चेक को, तो चेक के बदले मैं रेडियो कर लेता हूँ, यहाँ पर जो भी वैल्यू है ना अपने पास स्टेट में वो शो करेंगी, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, अब यहाँ से जो है ना मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए हमारे पास वैल्यू जो है सेलेक्ट हो रही है, देख सकते हैं आप रेडियो बटन है तो एक ही सेलेक्ट होगा। तो अब हम क्या करेंगे इसके बेस पे जो है ना फिल्टर का ऑपरेशन देखेंगे, तो इसके लिए हमको सबसे पहले बैकएंड में एक और न्यू जो है फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। आप चाहे तो फ्रंट एंड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बैकएंड में करेंगे तो ज्यादा एफिशिएंट है। एक न्यू रिक्वेस्ट हम क्या करेंगे फिल्टर्स के नाम से जो है बना देंगे, यानी राउट बनाएंगे, एक कंट्रोलर फंक्शन हम क्रिएट करेंगे जिसमें हम फिल्टर्स जो है देखेंगे। तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और हम चलेंगे प्रोडक्ट्स राउट के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे एक न्यू राउट जो है क्रिएट करेंगे, तो इसी में आप क्या कर सकते हैं कॉमेंट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिल्टर प्रोडक्ट, और न्यू एंड पॉइंट बना देंगे राउटर डॉट पोस्ट, सॉरी गेट रहेगा ये, गेट के बाद में यूआरएल पैटर्न, और इसका नाम हम रख देंगे प्रोडक्ट डैश फिल्टर, और इसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे, तो यहाँ पे इसका नाम सेम रखते हैं प्रोडक्ट फिल्टर्स कंट्रोलर, कॉपी कर लेंगे इसको और कंट्रोलर की फाइल में इसको जो है नीचे क्रिएट कर लेंगे, और कमेंट भी ऐड कर देंगे हम फिल्टर्स, और इसको क्रिएट कर लेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट फिल्टर कंट्रोलर एसिंक फंक्शन इक्वल टू, इसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हम रिसीव करते हैं। अभी तो आप फेमिलियर हो गए होंगे ये सारे फंक्शन से,
इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट करा दो, और रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस डॉट स्टेटस ऑफ 400 डॉट सेंड, सेंड के अंदर सक्सेस कर देंगे हम फॉल्स, उसके बाद में मैसेज ऐड कर देंगे एरर वाइल फिल्टरिंग प्रोडक्ट्स, और इसके बाद में जो भी एरर है उसको एज इट इज पास कराओ, और यहाँ पर कोलन है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राई के अंदर जो है हमारा लॉजिक लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज को गेट करेंगे। कौन सी वैल्यूज को, देखिए हमारे पास चेकबॉक्स है और उसके बाद में रेडियो बटन है, तो दोनों को हमको गेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है रिक्वेस्ट बॉडी में से गेट कर लेंगे कॉन्स्ट, इसको हम नाम रख देंगे सेम चेक्ड, और उसके बाद में रेडियो, ये हम गेट करने वाले हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर्स का जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एक तो आप डायरेक्टली इसके लिए क्यूरी लिख सकते हैं, या फिर आप एक वेरिएबल के अंदर क्यूरी को लिख कर फंक्शन के अंदर पास करा सकते हैं। तो एफिशिएंट वे यही है कि आप पहले जो है क्यूरी बना ले और उसको फंक्शन के अंदर पास करें, या फिर अगर आपको फंक्शन के अंदर ही लिखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल के अंदर इसको बनाता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे, ठीक है। मल्टीपल क्यूरीज है, हमको चेकबॉक्स भी चेक करना है और रेडियो बटन भी चेक करना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं उसको जो है आर्ग्स नाम से एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो है स्टोर करा रहे हैं। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कंडीशनली, क्या चेक करना है, देखिए जब भी यूजर सर्च करेगा यहाँ पे तो हो सकता है वो कैटेगरी के बेस पे करे या फिर प्राइस के बेस पे करे, अब दोनों एक साथ करें ये जरूरी नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे दोनों को भी जो है पहले फिल्टर करेंगे कि कौन सी चीज सेलेक्ट हुई, अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल शो करेंगे, अगर सिंगल यहाँ पर कैटेगरी है तो सिर्फ हम कैटेगरी के बेस पे ही जो है यहाँ पर प्रोडक्ट्स को शो कराएंगे। मान लीजिए उसने प्राइस के बेस पे किया है तो सिर्फ प्राइस के बेस पे करेंगे, दोनों किया तो दोनों के बेस पे कराएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे इफ चेक्ड जो हम रिसीव कर रहे हैं उसकी हम क्या करेंगे यहाँ पर लेंथ की प्रॉपर्टी चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हमको इसमें से वैल्यू मिलती है यानी यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट किया हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पर वन ऐड होगा, इनिशियल वैल्यू इसकी जीरो है तो यहाँ पे क्या होगा इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड होगा, जैसे हम यहाँ पर रेडियो बटन पे कर रहे हैं ना तो ये वैल्यू ऐड हो रही है, तो इससे हमको जो है यहाँ पर फुलफिल कराना है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे लेंथ अगर ग्रेटर देन जीरो है तब क्या करो, यहाँ पे हम आर्क्स का यूज करेंगे आर्क्स, और इसके अंदर कैटेगरी रहेंगी, उसमें क्या करेंगे जो भी चेक्ड वैल्यू है ना उससे फुलफिल करा देंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर रेडियो बटन को भी चेक कर लेंगे इफ रेडियो डॉट लेंथ, अब इसमें तो हमारे पास डायरेक्ट एक ही लेंथ आने वाली है तो हम क्या करेंगे इसको डायरेक्टली एक्सेस करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं और चेकबॉक्स में हम मल्टीपल भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे इसको डायरेक्टली जो है ना अगर इसके अंदर कुछ भी हमको लेंथ मिलती है तभी हम जो है इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर्ग्स डॉट प्राइस, और इसमें हम क्या करेंगे मोंगो डीबी का जो क्यूरी होती है ना मोंगोस की मदद से, अगर आपने देखा होगा लेस देन ग्रेटर देन, तो ये चीजें हम एक्सेस करेंगे, क्यों, प्राइस में हमारे पास क्या है एरे है, अब एरे के अंदर हमारे पास दो वैल्यू है तो एक साथ दोनों को तो एक्सेस नहीं कर सकते हम, और कंडीशन हमको चेक करना है। हमने क्या किया यहाँ पर 0 to 19 डॉलर, 20 to 39, 40 to 59, तो बीच में जो कंडीशन है ना 0 to 19 इसके बीच के ही प्रोडक्ट्स हमको शो कराने, इसीलिए हम क्या करेंगे दोनों के इंडेक्स को जो है गेट करेंगे और फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डॉलर ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसमें हम क्या करेंगे रेडियो का एरे इंडेक्स यूज कर लेंगे इंडेक्स ऑफ जीरो, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे एक और कंडीशन यहाँ पर ऐड कर देंगे जिसमें हम क्या करने वाले डॉलर लेस देन इक्वल टू रेडियो का अगेन हम यूज करेंगे जो हम एज अ आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहे हैं ना बॉडी में उसका इंडेक्स हम यहाँ पर गेट करेंगे जीरो और फॉल्स। तो इससे क्या होगा ये जो पहली वैल्यू है और सेकेंड वैल्यू, क्योंकि एरे है एरे जीरो से स्टार्ट होता है तो ये जीरो पोजिशन है और ये फर्स्ट पोजिशन है तो इसको हम गेट कर रहे हैं। अब ये जो कंडीशन है चेक हो गई, इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो यहाँ पर उसको मैं प्रोडक्ट्स के नाम से जो है ना एक वेरिएबल बना देता हूँ इसके अंदर स्टोर करा देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे अवेट करेंगे, हमारे पास है प्रोडक्ट मॉडल, इसके अंदर हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे, और फाइंड के अंदर आर्ग्यूमेंट के बेस पे यानी आर्क्स का जो हमने वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमारे क्यूरीज है तो इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे, और जैसे ये एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, सेंड के अंदर हम क्या करेंगे सक्सेस यहाँ पर ट्रू कर देंगे, और उसके बाद में मैसेज आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं इसमें जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम प्रोडक्ट्स को भी पास करा सकते हैं, प्रोडक्ट्स सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है क्रिएट हो चुका है। अब हमको क्या करना है पहले इसमें जो है इम्पोर्ट करना है, तो आर को कट करके आप क्या करें कंट्रोल स्पेस सजेशन शो करेंगे इस पर क्लिक करिए, ये कंट्रोलर जो है ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो जाएंगे, चेक कर सकते हैं आप, सेव कर लेते हैं इसको भी। तो हमारा जो है कंट्रोलर फंक्शन जो है तैयार है, अब इसका हम यूज कर सकते हैं। चलते हैं वापस होम पेज में,
और हम क्या करेंगे इसके लिए, फंक्शन जो है क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे कैटेगरी के लिए हमने किया था, तो मैं क्या करता हूँ इस यूज इफेक्ट के नीचे जो है ना कमेंट ऐड कर देता हूँ, गेट फिल्टर्स, फिल्टर्ड प्रोडक्ट कर देंगे इसको। और यहाँ पर फंक्शन जो है बना लेंगे हम, कॉन्स्ट फिल्टर प्रोडक्ट इक्वल टू एसिंक एरो फंक्शन, और इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक का हम यूज कर लेंगे, और कैच के अंदर सिर्फ कंसोल डॉट लॉक कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट कराओ। और फिल्टर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एपीआई कॉल जो है कर लेंगे। सो डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर करता हूँ मैं डेटा को, डिस्ट्रक्चर डेटा, यहाँ पे हम अवेट करेंगे, एक्सियोस का यूज करेंगे नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए, फिर यहाँ पर मेथड गेट है बैकटिक का यूज कर लेंगे, और इसके बाद में एपीआई कॉल कर लेंगे स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश प्रोडक्ट डैश फिल्टर। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, वैल्यू को जो है पास करा देंगे। और हाँ, अब वैल्यू पास हो रहा है ना, तो फंक्शन को हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे गेट के बदले हम क्या कर लेंगे, इसको पोस्ट कर लेंगे, क्योंकि वैल्यू हम पास कर रहे हैं ना, तो गेट में तो पास नहीं होंगे, इसलिए हम इसको पोस्ट कर देंगे। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक्सियोस डॉट पोस्ट कर देंगे इसको। और यहाँ पे हमको क्या करना है, चेक को पास कराना है, इसी तरीके से रेडियो को भी हमको पास कराना है। जब ये पास हो जाएगा तब क्या करेंगे, हम सेट कर देंगे प्रोडक्ट्स को। तो सेट प्रोडक्ट्स, हमको अगर डेटा मिलता है तब क्या करो, हम जो है प्रोडक्ट से इसको फुलफिल करा देंगे, जो हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं ना प्रोडक्ट्स, देखिए तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इसको फुलफिल करा रहे हैं। अब फिल्टर प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना प्रीवियस कंडीशन को जो है चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, इसमें जो है ना एक कंडीशन ऐड कर दें, हम क्या करेंगे चेक और रेडियो बटन की लेंथ जो है चेक कर लेंगे, क्योंकि हमको सारे प्रोडक्ट्स भी शो कराने हैं और इसके बेस पे भी शो कराने हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं डायरेक्टली गेट कर रहे हैं ना, उसके अंदर इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक न्यू कंडीशन ऐड कर देता हूँ, इफ नॉट चेक डॉट लेंथ या फिर नॉट रेडियो डॉट लेंथ, अगर ये दोनों चीजें नहीं मिलती है तभी जो है यहाँ पर गेट ऑल प्रोडक्ट्स को जो है आप कॉल करो। और इसके नीचे मैं एक ई एस लिंट का यूज कर लेता हूँ, ई एस लिंट डिजेबल नेक्स्ट लाइन। और हम क्या करेंगे, एक और यूज इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे, यूज इफेक्ट, और इसके अंदर एक और फंक्शन जो है पास करा देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ये इनिशियल टाइम पे गेट हो रहा है, हम क्या करेंगे इसको जो है ना चेक और रेडियो की प्रॉपर्टी के बेस पे जो है फेच कराएंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं एक और यूज इफेक्ट होकर यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, फिल्टर प्रोडक्ट्स को जो है ना यहाँ पर कॉल कर देना है, और इसको भी कंडीशनली हम जो है पास करा सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कंडीशन ऐड कर देना, इफ हमको चेक मिलता है यानी चेक और इसके अंदर लेंथ मिलती है, या फिर रेडियो जो है उसके अंदर लेंथ मिलती है, तभी इस फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करो। और डिपेंडेंसी में हम क्या करेंगे, चेक को और रेडियो को पास करा देंगे, तो इसके बेस पे यहाँ पर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे एप्लीकेशन पर। और यहाँ पे तो कोई प्रोडक्ट्स हमारे पास शो नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस ईएस लिंट को जो है ना वापस से कट कर देता हूँ, और इसके अंदर क्या डिपेंडेंसी ऐड करने को कह रहा है, चेक की प्रॉपर्टी और रेडियो की, तो दोनों की लेंथ को जो है ऐड करो, यहाँ पर हमको मैसेज आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें जो है ऐड कर देंगे, यहाँ पर दोनों कंडीशन हम चेक कर रहे हैं ना, तो उसकी डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड कर देंगे। पेस्ट, सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए सक्सेसफुली हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब जो हम यहाँ पर फिल्टर चेक कर लेंगे, और साथ ही में देखिए यहाँ पर प्राइस हमने ऐड नहीं किया है ना, तो प्राइस भी ऐड कर देता हूँ ताकि हमको आइडिया रहे कि कौन से प्राइस वाला प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो चलते हैं नीचे कार्ड में, और मोर डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन शो कराया था तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर पी डॉट प्राइस कर लेंगे, सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए प्राइस यहाँ पर आ रहा है, और इसको आप जो है रुपी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर डॉलर में भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इससे पहले हम डॉलर का आइकन ऐड कर देंगे ताकि जो है यहाँ पर हमको पता चले डॉलर में, सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर $250 कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, और आप इस डिस्क्रिप्शन को भी जो है ना यहाँ पर लिमिट करा सकते हैं कि कितने कैरेक्टर्स तक आपको चाहिए, तो उसको भी फिर आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जो है ना सब स्ट्रिंग के अंदर जो है ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी को आप क्या करें सब स्ट्रिंग में जो है ऐड कर दें सब स्ट्रिंग, और इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर कैरेक्टर बता सकते हैं 0 to 60 या फिर 30 भी कर सकते हैं, सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है तो इसको लोअर केस में कर देता हूँ मैं, सब स्ट्रिंग, सेव, चेक करते हैं। तो देखिए अब ये बराबर से शो कर रहा है, 30 कैरेक्टर्स तक यहाँ पर शो करेगा, उसके बाद में डॉट डॉट यहाँ पर शो करेगा, यानी कि एडिशनल डिटेल्स है वो हम क्या करेंगे इस पर जैसे क्लिक हो मोर डिटेल्स के ऊपर, तो उसको जो है सिंगल पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करेंगे और वहाँ पर कंप्लीट इसको इसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करा देंगे। तो यहाँ पर फिल्टर्स हम देख रहे थे, तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से जो है ना कोई भी एक फिल्टर जो है सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैन के लिए, तो देखिए बराबर से सिर्फ मैन का जो है यहाँ पर कलेक्शन शो कर रहा है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और प्राइजेस तो हमने बहुत ज़्यादा इसमें ऐड किए हुए 500, 250, तो इसको आप जो है चेंज कर ले बाद में।
और उसके बेस पे जो है फिल्टर को ऐड करें। इनिशियली मैं रुपीस के बेस पे करना चाहता था, लेकिन ऑडियंस हमारी अलग अलग जगह से, डॉलर जो है सही रहेगा, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, लोकल करेंसी फिर लिमिटेड हो जाती है, इसीलिए मैं जो है यहाँ पर डॉलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो सभी की प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है, हम इसको जो है चेंज करके एक बार देख ले क्या, डैशबोर्ड में जाके जो है ना मेंस कलेक्शन की एक की प्राइस जो है मैं कम कर देता हूँ, 250 है ना, इसको कर देंगे 25, अपडेट प्रोडक्ट। और फिर मेन के लिए दूसरा कौन सा था, ये वाला था ना क्लासिक वॉच, इसमें 500 था, तो इसको हम कर देंगे 80 कर देते हैं, ठीक है, अपडेट प्रोडक्ट। चलते हैं होम पेज पर, होम पेज पर चले जाएंगे, और अब मैं क्या करता हूँ, मैन पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए दोनों भी शो रहा है। और अगर मैं प्राइस के बेस पे करूँ, देखो 0 to 9 कोई भी हमारे पास नहीं है, 20 to 39 में सिर्फ एक है हमारे पास जिसकी प्राइस है $25, और फिर 40 to 59 में भी नहीं है, 60 to 79 में भी नहीं है, अब 80 में एक शो करेगा, देखिए बराबर से आ रहा है। तो दोनों भी फिल्टर हमारे सही तरीके से काम कर रहे हैं। और ये कंसोल डॉट लॉग को रिमूव कर देता हूँ मैं, वो सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए हमने जो स्ट्रिंगिफाई की मदद से उसको प्रिंट कराया था, तो आप वो रिमूव कर लें, कट सेव कर लेते हैं उसको, रिफ्रेश। तो इसी तरीके से आप जो है दूसरी कैटेगरीज भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि वुमन, स्मार्ट वॉचेस, तो ये भी कैटेगरी शो करेंगे, प्राइस के हिसाब से करेंगे तब भी बताएंगा। और यहाँ पर 100 के ऊपर अगर रहेंगे तो हम कुछ इस तरीके से शो करा देंगे। मेक श्योर आप जो प्राइसिंग सही तरीके से जो है ऐड करिए, मैंने रैंडम में कुछ भी ऐड किया था इसीलिए जो है यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइस का फिल्टर जो है सिर्फ 0 to 19 यानी $100 तक लिखा है, और उसके बाद में सारे के सारे आ जाएंगे 100 के बाद जितने भी रहेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक क्लियर बटन भी मैं ऐड कर देता हूँ ताकि हम फिल्टर्स को जो है ना क्लियर कर पाए। क्यों, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर इसने फिल्टर लगा दिया, अब इसको रीसेट करना तो कैसे करेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे इसके अंदर जो है ना एक फिल्टर ऐड कर देंगे, एक बटन ही ऐड कर देता हूँ मैं, और इस पर सिंपल सा एक रीलोड का फंक्शन हम ऐड कर देंगे, या इस डिव के बाद में इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और प्राइस को कट कर देंगे, प्राइस की ज़रूरत नहीं है और रेडियो बटन की भी नहीं है, सॉरी, इस ग्रुप को रिमूव कर देंगे, यहाँ पे हम नॉर्मल बटन ऐड कर देंगे, और इसके अंदर हम इसको नाम दे देंगे रीसेट फिल्टर्स, और इसको क्लास नेम दे देंगे हम पहले, क्लास नेम BTN, BTN डेंजर, और इसके ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे डायरेक्टली जो है ना रिलोड का फंक्शन कॉल कर देंगे, तो इसके लिए अलग से हमको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली पेज को जो है ना रिलोड करा देंगे। सो यहाँ पर एरो फंक्शन, विंडो का ग्लोबल ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिलोड, और इस फंक्शन को आपको कॉल कर देना है, सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आ चुका है देखिए रीसेट फिल्टर, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से फिल्टर सारे चले जाएंगे, तो सक्सेसफुली हमारे पास जो है फिल्टर्स जो है बराबर से आ रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पेजिनेशन पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है इनिशियल टाइम पे जो है शो नहीं करा सकते, इससे हमारी API पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे इसको लिमिटेड कर देंगे। जैसा पेजिनेट में आपने देखा होगा ना, हमको 1, 2, 3, 4 कुछ ऐसा पेजेस पे जाने का ऑप्शन मिलता है, तो सेम उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लोड मोर का ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट में क्या है, जैसे बंदा स्क्रॉल करता है या फिर लोड मोर का एक बटन आता है उस पर क्लिक करता है तो उसके बाद में जो है प्रोडक्ट्स शो होते हैं, तो वैसे फंक्शनलिटी हम ऐड कर देंगे। पेजिनेशन के लिए जो है ना आप क्लाइंट साइड भी कर सकते हैं या फिर सर्वर साइड भी कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको कहाँ पर करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सर्वर साइड का यूज़ करूँगा, आपको अगर क्लाइंट साइड यूज़ करना है तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको कोड मिल जाएगा, API से कॉल करेंगे तो यहाँ पर फास्टर हमको रिस्पॉन्स देखने मिल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, चलते हैं वापस प्रोडक्ट राउट में, और यहाँ पर क्या करेंगे एक न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे, और इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि पहले काउंट कर लेंगे हम प्रोडक्ट्स को, तो यहाँ पे प्रोडक्ट काउंट के नाम से बना देता हूँ मैं, प्रोडक्ट काउंट राउटर डॉट गेट, सिर्फ गेट करना है, और इसको हम कर देंगे प्रोडक्ट डैश काउंट, और इसके लिए कॉल बैक फंक्शन प्रोडक्ट काउंट कंट्रोलर, इसको भी हमको क्रिएट करना है, कॉपी कर लेता हूँ, चलते हैं कंट्रोलर में, और यहाँ पे कॉमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, प्रोडक्ट काउंट, एक्सपोर्ट कर देंगे फंक्शन को, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट काउंट कंट्रोलर इक्वल टू एसिंक फंक्शन, इसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एरो फंक्शन है, ये ट्राई कैच ब्लॉक हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, कैच के अंदर सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, रिस्पॉन्स भी सेंड कर देता हूँ, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 400 डॉट सेंड, मैसेज ऐड कर देंगे, मैसेज एरर इन प्रोडक्ट काउंट, उसके बाद में जो भी एरर है उसको एज इट इज पास करा दो, और साथ ही में सक्सेस इसमें कर देंगे हम फॉल्स। और हाँ देखिए पेजिनेशन का जो फंक्शन होगा ना, अब ये डिफरेंट हो सकता है, सबका लॉजिक अलग अलग हो सकता है, तो अगर आपको इससे बेटर अप्रोच मिलती है तो आप वो फॉलो करें, नहीं तो अगर आपको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप मेरा फॉलो कर सकते हैं, या फिर गूगल भी करेंगे तो आपको जो है ईजिली कोड मिल जाएगा,
आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ट्राई में, सबसे पहले जो है एक वेरिएबल बना देंगे प्रोडक्ट्स के नाम से, कॉन्स्ट या फिर टोटल के नाम से, क्योंकि टोटल हमको इसमें काउंट मिलेगा ना, तो उसके नाम से हम बना देंगे कॉन्स्ट टोटल इक्वल टू अवेट। अवेट किस चीज़ का करेंगे, प्रोडक्ट मॉडल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड। फाइंड क्या करना है, सब कुछ फाइंड करना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और जो है ना फंक्शन कॉल करेंगे। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं, इसमें से हम क्या करेंगे एस्टिमेटेड डॉक्यूमेंट काउंट का फंक्शन यूज करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का काउंट हमको दे देगा और हम क्या करेंगे रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। जैसे यहाँ पर ये क्यूरी एग्जीक्यूट होती है ना, तो लेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, सक्सेस ट्रू कर देंगे, सक्सेस ट्रू। और उसके बाद में जो भी टोटल है उसको एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे सेव। तो ये फंक्शन हमारा बन चुका है, इसको वापस से इम्पोर्ट कर देंगे राउट्स में। आर को कट करके कंट्रोल स्पेस, इस पर क्लिक करिए, ऑटो इम्पोर्ट यहाँ पर जाएंगे। चेक कर सकते हैं हमारे पास ये फंक्शन जो है ऐड हो चुका है, प्रोडक्ट काउंट कंट्रोलर। इसी तरीके से हम क्या करेंगे पेज के हिसाब से भी जो है ना प्रोडक्ट को गेट करेंगे। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है ना एक न्यू फंक्शन बना देंगे प्रोडक्ट पर पेज। तो यहाँ पे इसका भी फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, राउटर डॉट गेट, एंड पॉइंट कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैं सेम रखता हूँ प्रोडक्ट डैश लिस्ट। और उसके बाद में इसको डायनेमिक कर देंगे हम, और यहाँ पर हम क्या करेंगे पेज को गेट करेंगे और इसका फंक्शन आपको क्रिएट करना है। सो प्रोडक्ट लिस्ट कंट्रोलर, इसको अभी क्रिएट करना है, कॉपी कर लेंगे, चलते हैं कंट्रोलर फाइल में, नीचे इसको क्रिएट कर देंगे और यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट बेस ऑन पेज। एक्सपोर्ट कर देंगे इसको, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट कंट्रोलर इक्वल टू एसिंक फंक्शन, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव करेंगे। और इसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक का आपको यूज करना है, कैच के अंदर एरर है कंसोल डॉट लॉक कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज पास करा दो, फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे एरर के अंदर लेस डॉट स्टेटस ऑफ 400 डॉट सेंड। सेंड के अंदर क्या करेंगे सक्सेस कर देंगे हम, फॉल्स मैसेज ऐड कर देता हूँ मैं, एरर इन पर पिच CTRL, और एरर को एज इट इज यहाँ पर पास करा देता हूँ। ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो है ना एक वेरिएबल बना देंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ पर पेज, और इनिशियल वैल्यू भी इसके अंदर सेट कर सकते हैं। इनिशियल टाइम पे आपको कितने प्रोडक्ट्स चाहिए तो हम 6 ही बताएंगे, ज़्यादा हमको नहीं बताना है। अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट पर पेज पे शो करना है तो आप वैल्यू यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अभी फिलहाल सेम रहने दीजिए, बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट पेज के नाम से। क्यों पेज के नाम से, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर पेज को जो है डायनेमिकली एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर उसको गेट करेंगे। तो ये कहाँ से आएगा, ये आएगा params में से, रिक्वेस्ट डॉट params डॉट पेज। अगर ये मिलता है तो सेम रखो, नहीं तो इनिशियल वैल्यू भी हम इसको दे देंगे रिक्वेस्ट डॉट params डॉट पेज, एल्स में 1 इसको कर देंगे, यानी डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 1 रहेंगी। अगर इसको जो है पेज नहीं मिलता है बॉडी से तो ये 1 रहेगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे प्रोडक्ट्स का वेरिएबल बना देंगे, प्रोडक्ट्स इक्वल टू अवेट करेंगे, प्रोडक्ट मॉडल है अपने पास उसका हमको यूज करना है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे फाइंड का फंक्शन जो है कॉल कर लेंगे। फाइंड के बाद में आपको क्या करना है यहाँ पर सब कुछ फाइंड करना है, इसलिए ऑब्जेक्ट हम पास करा रहे हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे फोटो को जो है डीसेलेक्ट कर लेंगे, तो सेलेक्ट का आपको इस्तेमाल करना है और इसके अंदर हम क्या करेंगे फोटो को जो है पास करा देंगे। सो माइनस फोटो, तो फोटो सेलेक्ट नहीं होगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है ना स्किप का फंक्शन यूज करेंगे। अब ये सारे आपको जो है मॉन्गूस के साथ में मिल जाते हैं, सो मेक श्योर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखें। अब स्किप कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास पेज है, पेज को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 1 से और इसको कर देंगे इनटू पर पेज। इसके बाद में हम क्या करेंगे लिमिट का फंक्शन भी ऐड कर देंगे, लिमिट लिमिट के अंदर जो है पर पेज कर देंगे 6 प्रोडक्ट्स। तो हमने वेरिएबल बना के रखा है ना पर पेज का, तो हम उसको पास करा देंगे। और साथ ही में आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं कि कब कौन से बेसिस पे आपको जो है इसको शो कराना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर पास करा देंगे क्रिएटेड एट और इसको कर देंगे -1। सेव करता हूँ इसको और कुछ इस तरीके से जो है ऑटो फॉर्मेट में ये कोड दिखेगा। तो इसके अंदर ज़्यादा क्यूरीज है अपने पास, पहले फाइंड की है, फिर सेलेक्ट है, फिर स्किप है, लिमिट है और सॉर्ट। तो इतने सारे ऑपरेशन हमने इसके अंदर एट अ टाइम जो है पास किए हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड। सेंड के अंदर सक्सेस करना है आपको ट्रू और यहाँ पर प्रोडक्ट्स को हम पास करा देंगे प्रोडक्ट्स। सेव कर लेते हैं इसको, तो ये भी फंक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे इंपोर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आर को कट करके कंट्रोल स्पेस सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए तो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप प्रोडक्ट लिस्ट कंट्रोलर सेव। तो दोनों ही फंक्शन हमारे क्रिएट हो चुके हैं, अब इसका हम यूज कर सकते हैं हमारे होम पेज में। चलते हैं होम पेज में और हम क्या करेंगे इसके लिए जो है स्टेट बना देंगे टॉप पे। तो यहाँ पे आपको जो है न्यू स्टेट बनाना है, टोटल के लिए बना देंगे सबसे पहले कॉन्स्ट
टोटल, सेट टोटल इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको क्या करेंगे हम जीरो कर देंगे, टोटल जीरो रहेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे एक और स्टेट जो है यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, और इसको हम करेंगे पेज का नाम दे देंगे, सेट पेज इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली हमारे पास एक रहेगा, एक पेज में हमारे पास छह प्रोडक्ट्स रहेंगे जो कि हमने एपीआई पे लिखा था। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं इसकी एपीआई जो है कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कमेंट ऐड कर देता हूँ, गेट टोटल काउंट। उसके लिए हम क्या करेंगे एक फंक्शन बना देंगे कॉन्स्ट टोटल, या फिर गेट टोटल कर देते हैं, गेट टोटल इक्वल टू एसिंक एरो फंक्शन, और इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है ना एक्सियोस की मदद से जो है नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डायरेक्ट डेटा को डिस्ट्रक्चर करेंगे, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट एक्सियोस का यूज करेंगे, एक्सियोस डॉट गेट, फिर एपीआई कॉल स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट डैश काउंट, और जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो सेट कर देंगे हम सेट टोटल। सेट टोटल को हम क्या करेंगे यहाँ पर जो भी डेटा है अगर डेटा मिलता है तो उसके अंदर हमारे पास है टोटल, उससे फुलफिल करा दो, और इसको हम क्या करेंगे यूज इफेक्ट हुक में जो है ऐड कर देंगे। सो नीचे मैं क्या करता हूँ एक और यूज इफेक्ट हुक बना लेता हूँ, और इसको भी जो है ना लास्ट में मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, कट इस फिल्टर कैटेगरी से पहले जो है क्रिएट कर लेता हूँ, मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, और इसके नीचे जो है यूज इफेक्ट हुक को ऐड कर देता हूँ, यूज इफेक्ट, या फिर ऑलरेडी हमारे पास यूज इफेक्ट है ना तो उसी में मैं क्या करता हूँ उसको ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी हम जैसे गेट कर रहे थे ना तो इसी में मैं इसको सेट करा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट टोटल, इस फंक्शन को आपको कॉल कर देना है, सेव, और इसको प्रिंट करा के चेक कर लेता हूँ मैं, ये जो कॉल MD9 है अपने पास उसके अंदर हम क्या करेंगे इसको शो करा देंगे, ये रहा उसका डिव कॉल MD9 का, ये खत्म हो रहा है यहाँ पर। उससे पहले मैं एक और डिव जो है ऐड कर देता हूँ, और इसके अंदर जो है टोटल को जो है शो करा देंगे, टोटल सेव, चेक कर लेते हैं एक बार, चलते हैं एप्लीकेशन पर और नीचे स्क्रॉल करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए टोटल काउंट है अपने पास 8, तो ये बराबर से फंक्शनैलिटी काम कर रहा है, यानी एपीआई हमारी सक्सेसफुली कॉल हुई है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे इसको कट करके जो है ना यहाँ पे बटन शो करा देंगे, लोड मोर का बटन जो है हम शो करा देंगे, और इस डिव को भी मैं क्या करता हूँ कुछ क्लासेस ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको क्लास दे देंगे क्लास नेम, और इसको कर देंगे हम मार्जिन दे देंगे 2 का, और पैडिंग भी दे देता हूँ मैं 3 की। इसके अंदर हम क्या करेंगे कंडीशनली जो है ना यहाँ पर बटन को शो कराएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर प्रोडक्ट्स को टारगेट करना है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं तब क्या करो यहाँ पर चेक करो प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, ये लेस देन है टोटल के, यानी जो काउंट है उससे लेस देन है, तभी जो हम क्या करेंगे यहाँ पर बटन को रिटर्न कराएंगे। तो यहाँ पर रिटर्न, रिटर्न के अंदर नॉर्मल बटन स्मॉल में बटन है, इसके अंदर क्लास नेम हम ऐड कर सकते हैं, क्लास नेम BTN वार्निंग कर देते हैं इसको, और इस बटन के अंदर क्या करेंगे कंडीशनली जो है ना हम यहाँ पर टेक्स्ट को जो है शो कराएंगे। तो मैं एक लोडिंग की स्टेट भी बना देता हूँ टॉप पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे एक न्यू स्टेट क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियल इसको कर देंगे फॉल्स, और वापस आएंगे नीचे और इसके अंदर चेक कर लेंगे अगर लोडिंग है तब क्या करो यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट शो करो लोडिंग का, आप चाहे तो स्पिनर से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, एल्स में क्या करो यहाँ पर लोड मोर का जो है बटन शो करो, और यहाँ पर डबल कोलन हो गया तो ये है क्वेश्चन मार्क, तो ये टर्नरी बन गया। इसी के साथ में हम क्या करेंगे इस बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे जो है काम करेंगे, ऑन क्लिक, इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले जो है मल्टी लाइन कर देता हूँ मैं इसको ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, इसके अंदर रहेगा एरो फंक्शन, और ई को हम रिसीव करेंगे, और यहाँ पर मैं डबल जो है कर्ली ब्रेसेस ऐड कर लेता हूँ, और प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और इसके बाद में यहाँ पर हम सेट कर देंगे पेज को सेट पेज, और इसको हम सेट करेंगे जो भी हमारे पास पेज है +1 से, सेव। तो इनिशियली 6 प्रोडक्ट्स रहेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे इसको जो है यहाँ पर +1 कर देंगे, तो सेकेंड वाले पेज पे हम रिडायरेक्ट होंगे तो हमारे पास और 6 प्रोडक्ट्स जो है ऐड हो जाएंगे, ये बटन शो करता है या नहीं चलते हैं एप्लीकेशन पर नीचे चेक कर लेते हैं, तो ये बटन तो शो नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो ऐसा हो सकता है कि सारे प्रोडक्ट्स अभी जो शो हो रहे हैं ना इस वजह से वो बटन शो नहीं कर रहा है, तो एपीआई को हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे। तो आपको क्या करना है यहाँ पर जाना है प्रोडक्ट्स एपीआई में जहाँ पर हम सब कुछ गेट कर रहे थे ना, इसको हम चेंज कर लेंगे, देखिए गेट ऑल प्रोडक्ट्स, तो इसको हम क्या करेंगे चेंज कर लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे सेट कर देंगे पहले लोडिंग को, और इसको कर देंगे ट्रू, और ये फंक्शन जहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है ना उसके बाद में हम क्या करेंगे सेट लोडिंग को जो है ना वापस से फॉल्स कर देंगे। इसी तरीके से कैच में भी आपको सेम चीज करना है, सेट लोडिंग इसको भी कर देंगे हम
फॉल्स, और जो रिक्वेस्ट जा रही थी ना गेट प्रोडक्ट्स, इसके बदले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट को जो है ना टारगेट कर लेंगे। सो प्रोडक्ट डैश लिस्ट, और इसमें हमारे पास बैकटिक का यूज़ कर लेंगे हम। पहले इसको ऐड कर देता हूँ मैं, जो भी पेज है ना उसको पास करा देंगे, और इसको हम क्या करेंगे बैकटिक में कन्वर्ट कर देंगे। जो भी पेज की स्टेट है वो हम यहाँ पर पास कराएंगे। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पे अब बराबर से लोड मोर का बटन जो है शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा। और क्लिक की फंक्शनैलिटी तो अभी काम नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीवियस वैल्यू है ना वो एज इट इज यहाँ पर शो कर रही है, तो इसको भी हमको जो है फिक्स करना पड़ेगा। चलते हैं वापस, न्यू फंक्शन हम क्रिएट कर लेंगे इसके लिए, ठीक है, लोड मोर के लिए। तो नीचे हम कहीं पर भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, गेट टोटल काउंट के नीचे ही मैं कर लेता हूँ। लोड मोर ये फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, न्यू फंक्शन बनाना है, लोड मोर इक्वल टू एरो फंक्शन, इसको भी एसिंक फंक्शन कर लेंगे हम, एसिंक फंक्शन। ट्राई कैच ब्लॉक इसमें भी ऐड कर देंगे, कैच के अंदर कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली डेटा को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट, और फिर एपीआई कॉल एपीआई स्लैश v1 स्लैश प्रोडक्ट लिस्ट, और फिर पेज के हिसाब से भी करना है ना, तो इसको वापस से डायनेमिक कर लेंगे हम। तो बैकटिक का आप यूज करें बैकटिक, और इसके बाद में क्या करेंगे हम पेज को पास करा देंगे डॉलर कर्ली ब्रेसेस पेज, पेज के हिसाब से हमको इसको गेट करना है, और इसको हम कर देंगे सेट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को जो है हम डबल से सेट करा देंगे प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर हम क्या करेंगे पहले शुरू जो भी प्रोडक्ट्स है, तो मैं यहाँ पे एरे का यूज कर लेता हूँ, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको एज इट इज रखो प्रोडक्ट्स। उसके बाद में हम क्या करेंगे डेटा को स्प्रेड कर देंगे डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, जो भी डेटा डॉट प्रोडक्ट्स हम रिसीव करेंगे उसको यहाँ पर पास करा देंगे। तो ऑप्शनल चेनिंग भी आप ऐड कर सकते हैं, और इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ सेट कर देता हूँ लोडिंग को, सेट लोडिंग ट्रू कर देंगे इनिशियल टाइम पे, और जैसे ही रिक्वेस्ट जाएंगी ना तो इसके बाद में हम क्या कर देंगे सेट कर देंगे लोडिंग को फॉल्स से, और एरर के सिनेरियो में भी इसको फॉल्स कर देंगे, सेट लोडिंग वापस से इसको फॉल्स कर देंगे। और मैं क्या करता हूँ यूज़ इफेक्ट हुक जो है ऐड कर देता हूँ, तो इसी के ऊपर यूज इफेक्ट हुक को मैं ऐड कर देता हूँ। एक और यूज इफेक्ट हम बना रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे इस फंक्शन को कॉल कर देंगे लोड मोर, और डिपेंडेंसी पूछ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, लोड मोर की डिपेंडेंसी बता रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको पेज के बेस पे जो है करेंगे, जब हमारे पास लोड मोर का बटन क्लिक होगा यानी पेज चेंज होगा तभी हम जो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो एक कंडीशन में ऐड कर देता हूँ, इफ पेज इज इक्वल टू 1 तब क्या करो यहाँ पर रिटर्न हो जाओ, डायरेक्टली रिटर्न कर लेंगे, यानी इस फंक्शन को यहीं पर टर्मिनेट कर देंगे हम। अगर 1 नहीं है तब क्या करो यहाँ पर लोड मोर जो है कॉल कर दो। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर इनिशियली 6 प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं लोड मोर पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है सही से, इंस्पेक्ट कर लेंगे इसको। अब जो है इस पर क्लिक करते हैं लोड मोर, तो यहाँ पर कुछ वार्निंग्स आ रही है, और एक्सियोस का भी एरर है, नेटवर्क टैब एक बार देख लेंगे, 404 आ रहा है। ओके, तो एंड पॉइंट में आई थिंक मैंने डॉट लिख लिया कहीं पर। अच्छा देखिए यहाँ पर v1 स्लैश प्रोडक्ट है, फिर प्रोडक्ट लिस्ट है। सेव कर लेते हैं इसको वापस, चलते हैं एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश इसको क्लियर कर देंगे। नीचे मैं क्या करता हूँ लोड मोर पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए सक्सेसफुली अब लोड मोर की फंक्शनलिटी भी आ रही है, और यहाँ पर देखिए ये बटन जो है ना गायब हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 80 प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास अगर ज़्यादा रहेंगे तो वो शो करेगा। तो मैं क्या करता हूँ एपीआई के अंदर जो है ना इसको चेंज कर लेता हूँ, इनिशियल टाइम पे जो है ना सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट शो कराता हूँ, ताकि आपको जो है कम्प्लीट इसका आइडिया हो जाए। सेव, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए इनिशियल टाइम पे अपने पास 2 प्रोडक्ट हैं, मैं लोड मोर पर क्लिक करता हूँ तो और 2 प्रोडक्ट्स आएंगे, और हमारे पास लोड मोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगा तो और 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास शो होंगे, अगेन लोड मोर का बटन रहेगा। तो जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स रहेंगे तब तक जो है लोड मोर का ऑप्शन शो करेगा, और जैसे ही सारे रीच हो जाएंगे तब जो है लोड मोर का बटन यहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब आपके पास सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट्स हैं डेटाबेस में। तो सक्सेसफुली यहाँ पर हमारे सारे फिल्टर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं, और आप चाहे तो यहाँ पर सर्च बेस्ड भी फिल्टर ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर हम टॉप पे एक इनपुट बॉक्स ऐड कर देंगे वहां से भी अगर आप सर्च करके कोई प्रोडक्ट को जो है देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको वो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।